दीपावली, खुशियों की दिवाली। दीपावली का नाम आते ही हम सबसे पहले अपने घर की सजावट करते हैं, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर आती है और माँ लक्ष्मी वही हैं जो धन धान्य से हमें भर देती हैं। बाजार सज चुका है, लेकिन इस बार बाजारों की रौनक भी फीकी फीकी दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना काल में सारे त्यौहार इस बार फीके ही साबित हुए हैं। लेकिन दीपावली हालांकि अब अंत में आई है, कोरोना का असर थोड़ा कम हो गया है, बाजार भी सज चुका है, तो सबसे पहले हम आपको बाजार की रौनक दिखाते हैं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की प्रतिमा को दिखाते हैं। बाजारों की रौनक आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा बाजारों में सजी हुई है। और इस बार हालांकि भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लोग कम आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में सभी के घर में माँ लक्ष्मी थोड़ा कम जा रही हैं, लोगों का जो व्यापार है वो थोड़ा कम चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली के मद्देनज़र भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हर घर में खरीदी जाती है, पूजा पाठ होता है, और यहाँ पे घरौंदे भी हैं, दिए भी हैं। दिए खुशियों के लिए जलाए जाती हैं, दिए अंधकार को मिटाता है, और तरह तरह के दिए इस बाज़ार में उपलब्ध है। हम तमाम चीज आपको बताएंगे, कितने दिए, किस रेट में फिलहाल यहाँ मौजूद हैं, क्या कोरोना का असर दामों पर भी पड़ा है, या कोरोना का असर ये जो दुकानदार हैं वो भी झेल रहे हैं, तमाम चीज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मूरत दिखाते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की, कि उन मूरत के दाम कितने तय किए गए हैं, उन मूरत की खरीदारी पर कोरोना का क्या असर पड़ा है, हम वो भी दिखाते हैं। पहले कुछ लोग आए हैं खरीदने, हम उनसे भी बात करते हैं। दीपावली की खरीदारी हो रही है आपकी, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को खरीद रही हैं आप? हाँ, खरीद रहे हैं। कोरोना का असर है इस बार? हाँ, भीड़ तो कुछ कम है जी। और पॉकेट पे? पॉकेट में भी ढीलापन है तो खरीदारी ज्यादा होगी या पिछले साल से कम होगी? देखिए, जो जरूरी का चीज है वो तो लेना ही पड़ेगा ना, अब कम बेसी तो क्या बोले। अच्छा, मतलब उतार चढ़ाव है, लेकिन शॉपिंग होगी। दुकानदार हम उनसे जानते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि असर कितना है कोरोना का। आप हर साल यहाँ दुकान लगाते हैं, क्या कुछ असर है कोरोना? असर तो बहुत है मैम। खरीदारी कम हो रही है या फिर पिछले साल? बहुत कम हो रही है, कोरोना का तो असर है। और जो इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मूर्त आपने रखे हैं माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की, क्या दामों में असर पड़ा है कोरोना के मद्देनजर या पिछले साल की? असर तो पड़ा ही है, महंगा हो गया है। नहीं सर, डाउन हो रहा है, अगले साल से इस साल भी कुछ डाउन चल रहे हैं। बहुत हमारे दर्शक जो अभी देख रहे होंगे, उनके लिए अगर दामों की अगर बात करें तो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का प्राइस क्या रखा है आपने? हमारे पास 200 से लेकर 2500 तक की है, 2500 तक की है। तो 200 से लेकर 2500 तक की मूर्त इन्होंने अपने दुकान में रखी है। हालांकि इनका साफ कहना है कि कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, भीड़ कम आ रही है, बाजार मंदा है। अब हम आपको दिए दिखाते हैं, ये दिए सुंदर सुंदर दिए दीपावली के लिए ये दिए सजाए गए हैं, और हम जो दुकानदार हैं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ असर है कोरोना का। पहले दिए देखिए आप, ये दिए खुशियों के लिए जलाए जाते हैं, ये दिए अंधकार मिटाने के लिए जलाया जाता है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं और उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं दिवाली के मद्देनज़र। लेकिन दिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही लुभावने दिए, हम भी आपसे कहेंगे कि दिए खरीदें, अपने घर में जलाएं। लेकिन जो दिए हैं, ये दिए अंधकार मिटाते हैं, ये दिए हमारे घर में खुशियां लाते हैं। और भी कुछ हम आपको दिखाएंगे, जब दीपावली हो, घर की सजावट ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। तो घरों की सजावट का भी विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन ये सजावट घरों की नहीं है, ये सजावट भगवान की है। भगवान के लिए सुंदर सुंदर माले हैं, उनके वस्त्र हैं, और भगवान को सजावट करने के लिए अच्छे अच्छे सामान इन्होंने उतारे हैं, ताकि आप भी अपने भगवान को दीपावली के दिन उनकी सजावट करें, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। तो आइए कुछ और दुकान आपको दिखाते हैं, जहां पे घरों की सजावट के लिए विशेष तैयारियां की गई है। कहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर आती है और हमें लक्ष्मी
पति से आशीर्वाद भी दिलाती हैं, माँ लक्ष्मी खुद हमारे घर में पधारती हैं और इसलिए हमें उस दिन अपने घरों की विशेष सजावट करनी चाहिए, हमें घरों को सुंदर बनाना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी हमें आशीर्वाद दें। और घर सुंदर कैसे होंगे? घर सुंदर तभी होंगे जब सुंदर सुंदर घंटियाँ हम अपने घर में लगाएंगे, अपने घरों को अच्छा डेकोरेट करेंगे, तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमें वो आशीर्वाद देती हैं। और उसकी पूरी तैयारी मार्केट में की गई है, आप मेरे साथ देख सकते हैं सुंदर सुंदर घंटियाँ यहाँ पे उपलब्ध है। घंटियों के दाम क्या हैं, कोरोना का असर कितना पड़ा है, हम ये भी बताएंगे आपको। हम दुकानदार से ही बात करते हैं कि क्या कुछ असर है। आप हर साल यहाँ पे घंटियाँ लगाती हैं, सुंदर सुंदर सजावट के सामान लगाती हैं, कोरोना का कितना असर? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत असर है। धंधा इस बार व्यापार धंधा मंदा है? बहुत मंदा है। जो हमारे दर्शक अभी देख रहे होंगे वो ये भी वो खरीदारी करने की सोच रहे होंगे, क्या कुछ दाम रखा है आपने? बहुत सब साल से कम दाम रखा है। कितना दाम है सब का? 100 रुपया 150 रुपया। कोरोना का असर दामों पर भी है? हाँ बहुत है। इनका साफ कह रहा है कि कोरोना का असर इस बार मार्केट में पड़ा है। कुछ और सजावट के हम सामान आपको दिखाते हैं कि किन किन सामानों से आप अपने घरों को सजा सकते हैं। ये घंटी तो आप देख ही रहे होंगे, प्यारी घंटी है, 100 से 150 के अंदर में आपको ये मिल जाएगी, आप अपने घरों में इसको सजा सकते हैं। कुछ और भी चीज़ हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर सामान है ये देखिए। अगर आप अपने घरों में इसे लगाते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, सुंदर लुक देगा और इससे आपका घर और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। कई दर्शक ऐसे भी होंगे जो अपने गेट पे, जो मेन गेट होता है माँ लक्ष्मी का आगमन, वहाँ के लिए सुंदर सुंदर ये जो तोरण है, तोरण खरीदते होंगे। तोरणों का भी अच्छा मार्केट यहाँ पे लगा है। हम फिलहाल अभी इनकम टैक्स के पास मौजूद जो मार्केट लगा है वहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे तमाम तैयारियाँ की गई है दिवाली के दिन आपके घर को विशेष सजावट सजाने के लिए। तरह तरह के फूल देख सकते हैं आप, ये फूल आपके घरों की विशेष सजावट के लिए है ताकि आपका घर सुंदर दिखे, माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद आपको दें। तो सबसे पहले एक नज़र आप तमाम सामानों को देखें, काफ़ी सुंदर है। हालांकि कोरोना का असर है, आप देख भी सकते हैं कि फिलहाल भीड़ भाड़ कम है, उसका असर मार्केट पर साफ देखने को मिल रहा है। मार्केट में सामान तो है लेकिन ग्राहक नहीं, और जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि मार्केट की रौनक ग्राहकों से ही होती है और ग्राहक फिलहाल नदारद नज़र आ रहे हैं। तो दिवाली की पूरी तैयारियां मार्केट में हो चुकी है, सामान सज चुके हैं लेकिन कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सजावट घर की तो करनी ही होगी, माँ लक्ष्मी को जो प्रसन्न करना है। तो आप भी अपने घर से निकले और सामान लें, सामान खरीदें और अपने घर को सुंदर बनाएं। अपने सहयोगी रंजन के साथ विनीता मिश्रा, पटना।